जो जो अभी ट्रैप का आवाज़ हो रहा है वो साउंड में तो बच्चा पढ़ नहीं सकता ना, बच्चा का तो फ्यूचर ख़राब हो जाएगा ना। तो इसलिए जो पुराना जगह में है स्कूल, जो हम लोग अभी जो मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ, यहाँ जो बैठे अभी जो हम खड़े हैं, ये है पुराना जगह, यहीं पर आना चाहिए उस वो स्कूल। पश्चिम बंगाल राज्य का दार्जिलिंग जिले के और तराई टी गार्डन का सरकारी प्राइमरी स्कूल 90 के दशक तक हाल की स्कूल की पिछवाड़े में पड़ा मैदान में तकरीबन 200 मीटर दूर एक सुनसान सी जगह पर थी। प्रायः 2000 चाय श्रमिक समुदाय के बीच में बसा वर्तमान गांव से सटा कर चाय मशीन के सामने स्थापित किया गया इस स्कूल को। इसमें स्कूल का तो आप कंडीशन देख ही रहे हैं कैसे है, जो उधर में खराब पड़ा हुआ है, जैसे मशीन का आवाज़ चल रहा है, ये पूरा टूटा फूटा हुआ है, टॉयलेट बाथरूम कुछ नहीं है। ये स्कूल यहाँ पर नहीं होना चाहिए। क्यों? जैसे ऐसे आवाज़ में कैसे पढ़ सकता बच्चा? ये स्कूल जो पहले वहाँ पर था, जो आपका वो ग्राउंड के सामने में जो था, वहीं पर ठीक था ना। अब तो सर आता है अभी 12:15 में, जाता है 2 बजे 2:30, कितना पढ़े होता है नहीं होता है अभी तक तो बच्चा का पता नहीं है। कितना बजे लगभग 10 बज गया होगा अभी तक बच्चा उच्चा सर उसका कुछ पता नहीं है। शौचालय और स्कूल घर टूट कर ईंट ग्रिल आदि चोरी होती है। स्कूल का बाउंड्री वॉल भी नहीं है। स्कूल तो बिहाल जैसा पड़ा है। गाय गोरु बकरी का रात में दिन में विश्राम स्थल बन गया है। अभी हम लोग इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे। इस तरह से अभी सोमवार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सोमवार। इसको इंग्लिश में बोलेंगे मंडे। स्कूल का जो बाउंड्री है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो खराब होने की वजह से यहाँ का जो माहौल है वो थोड़ा खराब हो रहा है। स्कूल का बाउंड्री तोड़ा जा रहा है और यहाँ पर इलीगल जो पीपल है वो लोग आके यहाँ पर नशाखोरी का जो है वो कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। जो चीज़ एग्जिस्टिंग है उसको भी अगर तोड़ दें तो हम लोग के लिए स्कूल चलाना जो है वो संभव नहीं हो पाएगा। इस बारे में मैंने स्कूल से संबंधित ब्लॉक अधिकारी से मुलाकात करने गया तो दार्जिलिंग पहाड़ की गोर्खालैंड आंदोलन के चलते अधिकारी ऑफिस नहीं आ पा रहे थे। हमने बहुत सारा लिखित रूप में एप्लीकेशन जो है हेडमास्टर के द्वारा और स्कूल के जो स्कूल मैनेजिंग कमेटी है उन लोग ने भी बहुत सारा इस बारे में पदक्षेप लिया है, लेकिन इस बारे में कोई कंक्रीट एक्शन जो है वो नहीं लिया गया। शिक्षा के अधिकार कानून 2009 के तहत जल्द से जल्द सरकार यहाँ के बच्चों को पढ़ाई सुनिश्चित करने के लिए यथास्थान में स्कूल लेके जाए। चाय बगान में जल्द से जल्द प्राइमरी स्कूल का समस्या का समाधान करें। अधिकारी के ऊपर दबाव बनाने के लिए संपर्क करें। अधिकारी मेनू का सेवा ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर नक्सलबाड़ी ब्लॉक फोन 9832082772। मैं राजकुमार रिजाल पश्चिम बंगाल दार्जिलिंग से इंडिया अनर्ट के लिए।